परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें डू और डाई का आंदोलन करना होगा। जो फॉर्म भर दिया उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो हमारे कहने पर फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, उसका क्या होगा? उसके लिए तो हमें न्याय दिलाना होगा। हमारी जो लड़ाई है, जो 13 फरवरी को 2,00,000 लोगों को। तो इस वीडियो का पूरा अंश देखने के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले आपको बता दें कि शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कर दिया ऐलान, क्योंकि सरकार अभी आप देख रहे हैं लगातार दबाव में है। अगर शिक्षकों के पास यूनिटी है और एकता है तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों की मांगे बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि एकता के बदौलत ही आज 9 बजे से जो 5 बजे तक विद्यालय समय संचालन था उसको परिवर्तन करते हुए 10 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। तो ये शिक्षकों की एकता का ही परिणाम है, इसलिए विधानसभा सत्र तक एकता बनाए रखे। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार एवं मीडिया प्रभारी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर मैं आज कुछ बताना चाह रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह शिक्षा विभाग चल कैसे रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। कल मुख्यमंत्री विधानमंडल में क्लियर घोषणा किए कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा। हम आज ही पत्र निकलवाते हैं, और कल ही शाम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पत्र निकाला गया है कि सिर्फ रूटीन 10 से 4 तक रहेगा, बाकी सब पूर्ववत रहेंगे। यानी विद्यालय 9 से 5 ही चलेगा, उसके बाद 5:30 के बाद हेडमास्टर लोग अपना जो करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करेंगे। यानी 8:00 से 6:00 तक आप विद्यालय में लगे रहिए, ये कल का लेटर है। तो या तो मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री लोगों को, विधानमंडल को मूर्ख बना रहे हैं। तो ये आप लोग को सोचने की जरूरत है और इस पर आगे करने की जरूरत है काम। मैं बिहार शिक्षक एकता मंच के भी, बिहार के तमाम शिक्षक संगठन जो एक होकर बिहार शिक्षक एकता मंच बनाए हैं, उनके भी तमाम प्रतिनिधियों से, विशेषकर संयोजक महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि नहीं पाप का भाग ही केवल व्याघ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें डू और डाई का आंदोलन करना होगा। जो फॉर्म भर दिया उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो हमारे कहने पर फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, उसका क्या होगा? उसके लिए तो हमें न्याय दिलाना होगा, उसके लिए तो हमें आगे आना होगा। हमारी जो लड़ाई है, जो 13 फरवरी को 2,00,000 लोगों को पटना की धरती पर लेकर के हम गए थे, हमें बड़े ही दुख के साथ करना पड़ रहा है, उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिला हमें। हम उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए, वार्ता किए, लेकिन वही ढाक के 3-5 जो नेता का आश्वासन होता है, सो हमें आश्वासन मिला। इसलिए आप तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहते हैं कि 2003-05 से अभी 2024 तक इतिहास गवाह है कि कभी भी संगठन आपको झुकने नहीं दिया है, आपको टूटने नहीं दिया है, हमेशा संगठन लड़ा है और लड़ करके अपना हक लिया है। इसलिए आगे भी आप परेशान मत हो, हतोत्साह मत हो, आपको कोई हानि नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे और आपके लिए करेंगे। हम एक बार पुनः बिहार शिक्षा एकता मंच के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र, आज ही, कल ही, जब तक विधानमंडल है अनिश्चितकालीन विधानमंडल घेराव, या सभी विधायकों के डेरा का अनिश्चितकालीन घेराव, या वहां आमरण अनशन जो भी है उसको आप तुरंत घोषणा कीजिए। और सरकार जब तक हमसे वार्ता नहीं करती है, तब तक हमारा जारी लड़ाई है उसको और तेज कीजिए, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों का भी हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप कर्तव्य पथ पर चलते रहें और हम सबके साथ रहें। हम नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि यह समय अपना नेतागिरी चमकाने का नहीं है, यह समय है सरकार से अपनी बात मनवाने का, शिक्षक को न्याय दिलाने का, नहीं तो बहुत जल्द आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद हम टर टर करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए अविलंब घोषणा हो, अविलंब हो और लड़ाई लड़िए। जो लड़ाई नहीं चढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षक एकता मंच से बाहर कीजिए, उनके नहीं हमें आवश्यकता है। हमें लड़ाकू लोगों की जरूरत है, हमें मऊगा लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए आप आंदोलन में आगे आइए, हम कल तक का समय देते हैं। सभी साथी मिलकर के इस पर राय विचार कीजिए, परसों हम पुनः आप लोग के बीच आएंगे और अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि आप लोगों की औकात शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बता दी है, अब अगर दम है लोकतंत्र के आप रखवाले हैं तो अपनी औकात आप बताइए पदाधिकारी को, अन्यथा
चुनाव आपको लड़ना है, पदाधिकारी को नहीं लड़ना है, और आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आप क्षेत्र में आइए, दम है तो, और देखिए कि क्या आपकी लोकप्रियता है, क्या आपकी औकात है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय शिक्षक। तो अभी आप सुन रहे थे लाइव अपडेट में केशव कुमार को। उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अभी संघ को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, यानी सभी शिक्षकों से अपील किया गया है, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र तक संघ का मजबूती अगर सभी शिक्षक मिलकर देते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षकों की मांगे पूरी होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार विधानसभा में शिक्षकों की मांगे उठाई जा रही है प्रत्येक MLC के द्वारा, तो शिक्षकों की जीत निश्चित है। केवल यूनिटी बना के रखने की जरूरी है। शिक्षक वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।